back to my channel AM Vlog. और आज हमारे यहाँ पे रात से ही हो रही है जोरों की बारिश और मौसम बहुत ही अच्छी बनी पड़ी है। मौसम को देख के मैं भी आज थोड़ी सी अच्छी फील कर रही हूँ, जैसे मुझ में एनर्जी आ गई हो, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा है। सो फिलहाल मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और अभी मैं शुरुआत करती हूँ पहले थोड़ी सी चाय पी के। इतना नहीं पीऊँगी, थोड़ी सी पीऊँगी आज मैं बस। तो चलिए चाय पीते हैं पहले। तो चाय मैंने चला दिया, चाय चलाने के मतलब होने के टाइम तक मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. बारिश के साथ साथ हमारे यहाँ पे आज लाइट नहीं है सुबह से ही। पता नहीं बारिश आने पर ही मतलब लाइट क्यों गायब हो जाती है। शायद लाइट को डर लगता होगा कि कहीं वो भीग ना जाए बारिश में। फाइनली मैंने कंघी कर ली है बालों में, मतलब दो आज मिला के 3 दिन ही हो गए हैं मैंने कंघी नहीं की थी। मन नहीं कर रहा था तो आज कर लिया मैंने कंघी, लेकिन स्टाइल वही रखा है, लेकिन बस बालों को अच्छे से कंघी मार लिया। और ये मैंने आज वेयर किया है कफ्तान कुर्ती, जो कि मैंने ये कपड़ा लेके बनवाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कपड़ा सिर्फ मैंने 50 रुपये से लिया है और मैंने ये कफ्तान कुर्ती बनाई है। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है और बटरफ्लाई जैसे लगते हैं, अच्छा है बहुत गर्मी में पहनने के लिए। मुझे कफ्तान कुर्ती वैसे भी अच्छे लगते हैं बहुत। तो मैं अभी रोटी बनाने लगी हूँ। जो मैंने दाल पका के रखे थे, गला के रखे थे, वो अभी ठंडी हो चुकी है, मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। तो अभी मैं दाल वाली रोटी बना रही हूँ। और आज मुझे लाइट ने बहुत ही तंग किया, क्योंकि लाइट की वजह से हमारे किचन के जो बोर्ड है वहाँ पे इन्वर्टर का नहीं है कनेक्शन, तो मैं रिंग लाइट नहीं ऑन कर पा रही हूँ। वैसे वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही मैं कंटिन्यू करे जा रही हूँ। और अभी मैंने रोटी को बेल लिया है और उसके बाद मैं देसी घी में उसको तलूँगी अच्छे से और फिर खा लूँगी। ये रोटी बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है, दाल वाली रोटी बोलते हैं इसको। और इसको अगर आप लोग दही के साथ खाओगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, और इसको देसी घी में ही तलिएगा तो बहुत स्वाद बनती है। ये रही मेरी प्लेट, मैं अभी एक ही रोटी खाऊंगी। तो एक ही रोटी खाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। और मैंने अपनी प्लेट इसलिए लगा ली क्योंकि अमन आज नहीं आ रहे घर पे,
बारिश बहुत हो रही है तो इस कारण से नहीं आ सकते अभी। बोले कि अभी मैं नहीं आऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा। तो अभी इसलिए मैं, अभी 2 बजने वाला है तो इसलिए मैं रोटी खा रही हूँ अभी, और मैं आप लोगों को खा के बताते हूँ कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये वाली रोटी। जब भी आप लोगों को टाइम ना हो ना कुछ बनाने का, या फिर मन ना हो सब्जी बनाने का कुछ करने का, तो सारी झंझटों से दूर होकर ये रोटी आप लोग बना सकते हो। सिंपल है, बहुत ही ईजी है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है, और बहुत टेस्टी भी होते हैं खाने में, और बस टाइम बच जाता है। मैं सैलून से आ गया हूँ, तो रात के बज रहे हैं अभी 8:30। तो मेहर भी अभी चिकन में है, किचन बना रही है मतलब किचन में है, तो चिकन तो की रेडी। कि मैंने तो मेहर ने आज मेरे वाला पहना हुआ है, तो आज पूरी की पूरी पांडा लग रही है। वो पांडा नहीं होते, वो उसके जैसी दिख रही है, देख सकते हो आप। तो आपने लाके दिया है पांडा लगने को तो मैं तो मेहर अभी मैंने बोला है किचन में है, तो अभी ईद की उनकी जो भी है सारा कुछ चल रहा है, तैयारी चल रही है उनकी। तो मेहर क्या मैंने अभी सारा कुछ शॉपिंग करके लाया है, मटन लाया है, चिकन लाया है आज ही, क्योंकि मटन मिल ही नहीं रहा था कहीं से भी। बहुत मुश्किल से मटन मिला है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मुस्लिम नहीं रहते, लेकिन फिर भी रहते नहीं, हैं। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि जितने भी है सारे लोग मतलब मटन ले गए थे, तो ज्यादा कोई नहीं शॉप पे कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी ढूंढ के लाया, क्योंकि जैसे हमारे त्योहार में होता है कुछ ना कुछ, इनके त्योहार में भी होता है, तो ईद में मटन मतलब जनरली होता है, तो उसके कारण मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ डांड के। तो बकरीद बोलते हो ना तो वही बकरीद ही बोल रहा हूँ। हाँ तो वही मेन बोल रहा हूँ ना कि वही तो उनका जन्मल है। तो अभी क्या बनाना है कल सुबह? अभी नहीं बताऊंगी मैं सुबह। ओ सस्पेंस है ना? सस्पेंस क्या, सिंपल ही बनाऊंगी। इतना तो यहाँ पे मैं भी सिंपल ही सेलिब्रेट करूंगी, तबीयत भी ज्यादा मतलब ठीक नहीं है तबीयत, और इतना अवेलेबल चीज यहाँ पे नहीं मिलती जो जो चाहिए होता है, तो सिंपल ही बनाऊंगी। तो कल दिखाऊंगी सुबह प्रिपरेशन क्या क्या करूंगी। तो कल मेरे लिए भी ईद ही है, तो मैं जो पहनूंगा मैं अपने लिए अलग से पहनूंगा कुछ, वो भी आपको दिखाएंगे हम, ठीक है ना मेरा। तो अभी क्या बनाना है मेरे लिए है आज? मेरे लिए वही बनाऊंगी मैं, दिन में नहीं आया ना, दाल वाली रोटी वही बनाऊंगी दही के तो साथ। मुझे मेयर ने बोला भी था फोन करके कि मैं आपके लिए दाल वाली रोटी और साथ में कुछ है, तो मैंने बोला था, मैंने बोला मैं नहीं आ सकता, तो तू ऐसा कर तू खा ले। तो अभी मेयर मेरे लिए वही बनाने वाली है, तो चलो अभी मेयर देखते हैं कैसे बनाती है, और क्या बनाती ये है। बना के मैं मेहंदी लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा कोई डिजाइन। अमन का टैटू बहुत अच्छी बनानी आती है, लेकिन मेहंदी नहीं आती। मेहंदी तो रेल पटरी बना देता हूँ। रेल पटरी बनाते हैं। तो मेरे मेरे हाथ से लगवानी है। चलो एक हाथ पे मैं लगा दूंगा, एक हाथ पे तू लगा लेना, ठीक है? तो है। लेफ्ट में मैं लगा, नहीं राइट पे मैं लगा दूंगा, क्योंकि राइट पे तू बनाती है, तो लेफ्ट। तो अभी मैंने अमन को खाना बना के दे दिया है, अमन खाना खा रहे हैं। कैसी लगी रोटी? टेस्टी है, टेस्टी है। ठीक है, तो अभी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ कल के लिए। मेरी साउंड नहीं आ रही शायद, इतना अच्छा साउंड फैन चल रही है ना।
लाइन चूज कर, नेट से कौन सा लगाना मैं वही लगाऊंगा। मैं अपने फोन में नेट चूज करते हैं। अभी हमने ऑनलाइन देख लिया है मेहंदी की डिजाइन, तो अभी हम वही अभी मेरे हाथ में लगाएंगे। तो डिट्टो एकदम चकास। इस तरह नहीं लगानी तो ये देखो, ओहो डिजाइन देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है कुछ डिजाइन है ये वाला, ये देखो बना दिया मैंने। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बता भी सकते हो हमें। तो ये डिज़ाइन मैंने डाल दिया है, लेकिन आगे वाला नहीं अभी डाला मैंने, आगे वाला भी डाल के फिर आपसे वीडियो दिखाते हैं। सो मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट। ऐसी डिजाइन मैंने बनाई है। मैंने बनाई है। खुद के हाथों में नहीं अच्छी लगती, मैंने बनाई। तो देख सकते डिजाइन, ये डिजाइन था मैंने किया हुआ रेडी। ये देखो मेरे का ही डिजाइन वैसा ही है, थोड़ा बहुत तो चलो 19-21 का ही फर्क है। 19-21 तो भी चलिए, कल ईद वाली ब्लॉग आएगी, मतलब कल ईद का ब्लॉग बनाऊंगी मैं। तो ईद वाली ब्लॉग थोड़ी सी अच्छी बनाने की कोशिश करूंगी। और आज क्या करूँ, ब्लॉग एंड कर। चलिए फिर आज के ब्लॉग में यही पेंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और एडवांस में ईद मुबारक आप सभी को। हाँ।